इस क्वेश्चन में हमने के की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए गिवन एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन एक्सप्रेशन में टर्म्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई हैं। तो देखें यहाँ पर पावर 4 है x की, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 और आगे x इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पर ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई हैं। तो इसको हम बाय डिवीजन मेथड सॉल्व करते हैं। सबसे पहली टर्म लिखी हुई है यहाँ पर हमारे पास x रेज पावर 4, तो x रेज पावर 4 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लें तो वो एक्स स्क्वायर बनता है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स टू रेज पावर 4 होती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर भी हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू रेज पावर 4 बनता है। अब इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली सारी टर्म्स हम एज इट इज नीचे ले आएंगे। अब हमारे पास मेथड ये होता है कि ये वाली जो टर्म हमने लिखी होती है इसको डबल करना होता है। तो डबल करने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा। हम यहाँ पर 2x स्क्वायर लिखेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास -4x क्यूब मौजूद है तो हम -4x क्यूब बनाने के लिए 2x स्क्वायर ये जो टर्म हमने लिखी हुई है इसको किस टर्म से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -4x क्यूब बन जाए, तो वो टर्म -2 आएगी हमारे पास, क्योंकि -2 2 टाइम्स -4 बनता है और साथ में हमारे पास अगर x आ जाए तो -4x क्यूब बन जाता है। तो हम यहाँ पर -2x लिखेंगे, अगर यहाँ पर -2x लिखेंगे तो यहाँ पर भी हमें -2x लिखना पड़ेगा। अब -2x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x को जब 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो -4x क्यूब आ गया। इसी तरह -2x को -2x से मल्टीप्लाई किया तो +4x स्क्वायर आ गया। अब हमने इस एक्सप्रेशन में से इस सब एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव, ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। 10x स्क्वायर में से जब 4x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो 6x स्क्वायर आएगा। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास -kx +9। अब हम क्योंकि इस टर्म को डबल कर चुके हैं ये एज इट इज आएगी, अब इसको हमने डबल करना है तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे -2x के साथ, हमारे पास -4x बनेगा। तो यहाँ पर हम -4x लिखेंगे। अब क्योंकि 2x स्क्वायर है यहाँ पर हमने 6x स्क्वायर बनाना है, तो 6x स्क्वायर बनाने के लिए 2x स्क्वायर को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम +3 लिखेंगे, तो यहाँ पर भी हमें +3 लिखना पड़ेगा। तो +3 से जब मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर को तो ये 6x स्क्वायर आया। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई होगा -4x के साथ तो -12x। इसी तरह +3 और +3 मल्टीप्लाई होके +9। अगेन हम इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये टर्म्स कैंसिल आउट होगी, ये टर्म भी कैंसिल आउट होगी। यहाँ पर हमारे पास -kx और प्लस का 12x बनता है। अब क्योंकि अगर एक एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसके लिए हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है जब उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो रिमाइंडर की जगह हम -kx +12x पुट करते हैं और राइट साइड पर 0। इन दोनों टर्म में से अगर हम x कॉमन लें हमारे पास आ जाता है -k प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि x 0 के इक्वल नहीं हो सकता तो -k प्लस 12 इक्वल्स टू 0 होगा, तो k अगर हम उस तरफ शिफ्ट करें तो 12 इज इक्वल टू k, या हम कह सकते हैं k इज इक्वल टू 12। तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम k की जगह 12 लिखें तो ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है। तो इस तरह हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली।